पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जनमानस से लगातार अपील की जा रही है कि यह अतिक्रमण को बढ़ावा ना दें, नगर निगम का सहयोग करें। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद के लाइन पार्क खुशालपुर रोड पर नगर निगम विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम की परिवर्तन टीम द्वारा अतिक्रमण को जब्त भी किया गया। बुलडोजर के साथ ही नगर निगम विभाग की परिवर्तन टीम द्वारा मजूली चौराहा से लेकर डॉक्टर बरुआ चौराहा खुशालपुर रोड तक अभियान चलाकर जनमानस को बताया गया कि मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण ना करें। नगर निगम विभाग द्वारा अनाउंसमेंट भी कराया गया ताकि लोग अतिक्रमण ना करें। ये कार्रवाई हमारी आर्यन स्कूल से ब्रेड फैक्ट्री चौराहा और उधर से हम घूमते हुए चौधरी चरण सिंह की साइड से होते हुए जाएंगे पूरा अतिक्रमण अभियान। कब से अभियान चल रहा है? अभियान तो कई दिनों से अलग अलग डेट में डिसाइड होते हैं, चलते ही रहते हैं। आज क्या रहा है? आज आपका कितना समय? आज का हमारी अभी वसूली चली रही है तो अभी आपको मैं फिक्स अमाउंट नहीं बता सकती क्योंकि अभी हमारी चल रही है कार्य। क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैसेज यही कन्वे करेंगे कि हमारी जो सरकार की जितनी भी लैंड है इस पर अतिक्रमण ना करें क्योंकि हम भी किसी का नुकसान नहीं आते लेकिन ये इससे भी इन्हीं लोगों का नुकसान होता है। जो अभी वर्षा हुई है ना ये इसी अतिक्रमण के कारण ही जल भरा हुआ है। जो नाली पे साइड पटरी पे जो इन लोगों ने कर रखा है ये जल भराव इन्हीं की वजह से हुआ है। अगर यही अगर ये हटाए होते तो हम अच्छे से साफ सफाई कर सकते हैं। साफ सफाई नहीं हो पाती और फिर बाद में जनता को समस्या होती है, इसीलिए हमें अभियान चलाना पड़ रहा है। कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जे भी हो रहे हैं, इन पे से हटाना है। हमारे निर्देश हैं शासन से हटाने के। कार्रवाई आज बुद्धि विहार में आर्यन इंटरनेशनल से प्रारंभ हुई है और पूरी बुद्धि विहार में चल रही है। इसका मेन उद्देश्य है कि जिन लोगों ने हमारे ग्रीन बेल्ट पे कब्जा कर रखा है उसको हटाया जाएगा। उसके साथ ही सरकारी ज़मीन पे जिन्होंने परमानेंट या नाली के ऊपर कब्जा कर रखा है उसको हटाया जाएगा, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है। उस संदर्भ में पूरी ग्रीन बेल्ट जो बुद्धि विहार की है उसको सबको हटाया जाना है। उसी संदर्भ में ये अतिक्रमण अभियान आज चालू हुआ है और पिछले दो दिन से यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों ने ये नहीं हटाया है। तो आज ये पूरा अभियान के माध्यम से हटाया जा रहा है और लगातार ही आगे चलता रहेगा। क्या कहेंगे, क्या मैसेज यही है कि जनता जो ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है वो आपके पर्यावरण के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए है और उस पर अतिक्रमण ना करें। लेकिन लोगों ने वहाँ के पेड़ पौधे तोड़कर एक स्थायी निवास जैसा बना लिया है, उसको हटाना जरूरी है और उस पर कोई कब्जा ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।